हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। और एक जोड़ा ये देखिए, ब्लैक लोटन का बच्चा है ये, अभी लगभग एक हफ्ता का होगा, ये 3-4 दिन का है मुश्किल से। यहाँ पे ये गिरिवाज का बच्चा है, छोटा ही, काफी छोटा बच्चा, ये आज लग रहा है 1-2 दिन का बच्चा है ये। ये देखिए, ये भी शायद इम्पोर्टेड ब्रीड का ये भी बच्चा है, ये पालने के लिए दिया गया है। और ये देखिए ये भी लाहौरी है, ये भी एक अंडा पे है, एक और अंडा देगा आजकल में, एक अंडा है इसका। और ये देखिए मुखी, दो बच्चा है इसका, ये देखिए दोनों ब्लैक मुखी है, इसका चॉकलेटी और ब्लैक बच्चा है इसका। सिराजी मिलेगा बिल्कुल मार्किंग में, लक्का मिलेगा 36-40 टेल में, और लोटन जो है सो कलमी लोटन व्हाइट में मिलेगा, ब्लू में मिलेगा, पाजेब और चोटी, लंबा चोटी भी मिलेगा, पाजेब भी बड़ा बड़ा होगा। और उसके बाद आपके मेरे पास गोल्डन किंग मिलेगा, व्हाइट में और येलो में, रेड में, तीनों कलर में मिलेगा। चैनल सालिम फैंसी विजन, आप लोग को हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर के पास उनके फॉर्म का विजिट करने आए हैं, तो चलिए उनका फॉर्म देखते हैं। ये है उनका फॉर्म, और स्टार्ट करते हैं इधर से। ये देखिए किंग, देखिए अंडा देने के लिए अभी पूरा खड़े इकट्ठा कर रहा है। किंग बहुत ही बेहतरीन साइज है, ये देखिए किंग जम्बो साइज है, पूरा व्हाइट में, बहुत ही बढ़िया साइज है। देखिए ये मेल है, ये किंग आपको ना बेहतरीन जम्बो साइज है, देखिए ये बिल्कुल बेहतरीन है, 1 किलो से ऊपर है लगभग। और इसकी मादिन है यहाँ, आपको ये अंडे पे है, 1-2 अंडे पे है, ये बेहतरीन अंडा है इसका। और व्हाइट जम्बो की देखिए कितना साइज है, कितना बड़ा साइज है, देखिए बेहतरीन साइज है व्हाइट जम्बो। फीमेल है, स्टार्टिंग करते हैं नीचे से। ये देखिए लखा, ये पैर है, अलमोंड में है, ये व्हाइट में है, बहुत ही बेहतरीन कलर का है ये भी। ये देखिए ये मेल है, ये फीमेल है, ये आपको ये देसी है पोसने के लिए, शायद बच्चा अंडे फोड़ने के लिए, ये भी देसी है, ये भी अंडा पे बैठा हुआ है। ये सब अंडे निकालने के लिए अच्छे होते हैं ये सब, ये भी 2 अंडा पे है, ये देख सकते हैं 2 अंडा। और यहाँ देखिए ये लोटन का बच्चा है, ये इसको पाल रहा है। और एक जोड़ा ये देखिए, ब्लैक लोटन का बच्चा है, ये अभी लगभग एक हफ्ता का होगा, ये 3-4 दिन का है मुश्किल से। और ये एक और देखिए, ये सब पालने वाला सब है, ये भी 2 अंडे पे है। अंडा का साइज देखिए कितना बेहतरीन है, बड़ा साइज है। इधर गिरिबाज है अंडे पे, पुराने के कबूतर है ये, बहुत ही बढ़िया गिरिबाज। 1-2 दिन में ये अंडे, 3 अंडे पे बैठा हुआ है, और 2-3 दिन में ये बच्चे निकाल देगा ये। देखिए ये भी गिरिबाज है, ये अभी अंडा पे नहीं है शायद, ये लखा है, ये भी एक जोड़ा है, ये ब्लैक बहुत खूबसूरत, और ये आपको येलो में है, ये देखिए बहुत ही पामुच, देखिए इसका कितना बड़ा पामुच है, आप बहुत ही बढ़िया जोड़ा है ये। एक और फेंटेल ये है, ये मादिन है, ये अभी अंडे देने वाला है, ये शायद आजकल में अंडा दे देगा। और इसका मेल यहाँ पे है,
ये मेल है देखिए, ब्लैक में, फुली ब्लैक, जेट ब्लैक, बहुत ही बेहतरीन साइज है, कलर भी बेहतरीन है। यहाँ पे ये गिरिवाज का बच्चा है, छोटा ही, काफी छोटा बच्चा, ये आज लग रहा है एक दो दिन का बच्चा है ये, अभी आँख भी सही से नहीं फूटा है इसका। और ये देखिए जब रख दिया गया इसके नीचे, ये भी अंडा पे है और इसमें खाली है अभी। यहाँ आते हैं, ये देखिए ये भी लखा है, ये अंडे पे शायद, नहीं अंडा नहीं, आजकल मैं अंडे देने वाला है ये। और ये किंग है देखिए, बहुत ही बेहतरीन येलो कलर का किंग, और इसका जोड़ा है। अभी देखिए ये बेहतरीन लाहौरी, ये दोनों जोड़ा है, ये इसका पाम मुझे देखिए, 4-5 इंच का पाम मुझे, और प्योर पूरा कटिंग प्योर है देखिए, पूरा प्योर मार्किंग है इसका पामूस देखिए, और बेहतरीन जम्मू साइज है इसका पामूस देखिए, लगभग 1 इंच से भी, 1 उंगली से भी बड़ा पामूस है इसका। कटिंग देखिए ब्लू बार में चेक है, बहुत ही बेहतरीन है देखिए। इसका जोड़ा एक यहाँ पे, एक जोड़ा है यहाँ इसका देखिए, ये फीमेल है, ये ब्लू बार में बहुत ही अच्छा है, ये कन प्योर वाइट लोटन। ये अंडे पे बैठा हुआ है और ये भी बच्चे निकाल लेगा 1 हफ्ते में लगभग। ये भी लोटन देखिए, लोटन ये भी अंडे पे है शायद। ये देखिए 2 अंडा है इसमें, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए ये भी शायद इम्पोर्टेड ब्रीड का ये भी बच्चा है, ये पालने के लिए दिया गया है इसको। और ये देखिए ये भी लाहौरी है, ये भी 1 अंडा पे है, एक और अंडा देगा आजकल में, 1 अंडा है इसका। ये सब सेल पे है, ये बच्चे के हैं, तो आप लोग को किसी को भी लेना हो तो डायरेक्ट हम डिस्प्ले पे नंबर डाल देंगे शिव कुमार जी का, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और डायरेक्ट इनसे बात कर लीजिए रेट का जो भी है। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। और आगे निकलना चाहिए देखिए, बेहतरीन मद्रासी देखिए, 100 प्योर सिल्वर येलो कलर में है, मद्रासी है ये, 2-3 दिन का बच्चा है इसका सिर्फ, और बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है देखिए, बहुत ही खूबसूरत। इसका मेल और फीमेल, ये लाहौरी का बच्चा है ये, इसमें देखिए इसमें भी ये लोटन है, अंडे पे है शायद। किंग का बच्चा सबको डाल दिया है, बच्चा का कीला वाला बच्चा है दोनों। अच्छा ये दोनों बच्चा है ना। हाँ ये येलो कलर का, येलो कलर किंग का बच्चा है ये, अभी छोटा ही है, इसका साइज देखिए कितना बड़ा जम्मू साइज है, ये ज्यादा दिन का नहीं है, इतना बेहतरीन कलर। ये कुल मिला के ये पूरा सेटअप है शिव कुमार जी का, पूरा सेटअप है, बहुत बढ़िया तरीका से सेटअप बनाए हुए हैं। तो ये साहब को यहाँ आना हो तो मधुबनी जिला के सहरघाट पे आपको आना पड़ेगा, और इनका गांव उतरा है, सहरघाट पे आके किसी से भी पूछ लीजिए, 1 किलोमीटर के बाद उतरा पड़ेगा आपको, और ये दरभंगा रोड में पड़ता है सहरघाट से।
और आप यहाँ आने के लिए इनसे संपर्क कर लीजिए और जो भी लेना हो बहुत ही उचित मूल्य पे आपको दे देंगे। और ये खुद फॉर्म पूरा ब्रीड करते हैं अपने पास, ये कोई खरीद बिक्री का इनका काम नहीं, जो एक्स्ट्रा होता है वो बेच लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का पूरा इनका सेटअप है, कबूतर है मिलते हैं बाहर भी, देखिए ये पूरा ऐसे खुला में खोल देते हैं। बाहर में देखिए खुला में बेहतरीन तरीके से घूम रहा है पूरा कबूतर, ये सेटअप है। उसके बाद आपको मद्रासी मिलेगा मेरे यहाँ, गिरावाज पल्टीमान मिलेगा, उसके बाद मेरे यहाँ मुखी मिलेगा, साटन ब्लू बार साटन मिलेगा, उसके बाद आपको मेरे यहाँ लक्का का एक से एक वैरायटी मिलेगा, सारा ब्रीड मेरे यहाँ अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे आने के लिए आप कैसा आना पड़ेगा जो बाहर से आते हैं? बाहर से आने के लिए दरभंगा रूट से आना है तो दरभंगा रूट से आ जाइए, बस सार घाट, मधुबनी रूट से आइए तो मधुबनी बस का भी साधन है एनी टाइम, बाइक से आइएगा तो हाईवे है, स्टेट हाईवे दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं है कहीं से आने के लिए। बस करते हैं या हाँ दरभंगा तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, दरभंगा मधुबनी, अच्छा दरभंगा तक हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बाकी आना पड़ेगा। हाँ ज़्यादा दूर का है तो आना पड़ता है, कारण हम भी टीचिंग लाइन में है तो उतना टाइम नहीं मिलता है, दरभंगा तक हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस पेमेंट पहले करना पड़ेगा। तो ये आप अपने शौक के लिए रखे हुए या ऐसे पहले तो शौक था, अब समझिए शौक के साथ साथ एक्स्ट्रा हो गया है तो सेल भी कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे ये शिव कुमार भाई जी हैं और लगभग चर्चित लोग हैं कबूतरबाजों में से, मधुबनी में इनका बहुत ही बढ़िया अच्छा फॉर्म माना जाता है और इनके पास हर क्वालिटी के आपको कबूतर मिल जाएगा। तो आसिफ कुमार जी के यहाँ आए हुए थे तो इनका वीडियो कराएं और इन आप लोगों के लिए जो नए हमारे भाई हैं जुड़े हैं हमसे वो खरीदने में आप लोग को आसानी हो, तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोग को पसंद आया हो और आई होप कि पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।